Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन लोगों से जिन्होंने भी नवंबर 2017 में एग्जाम्स दिए हैं और वो कंफ्यूज हैं कि मई 2018 के लिए वो क्या करें। मैं जब लाइव सेशन करता हूं तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन निकल के आया, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे अलग से एक वीडियो बनानी चाहिए और सबको गाइड करना चाहिए कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं। सिचुएशन वन जो सबसे कॉमन है वो ये है कि सर मैंने अपने ग्रुप वन के एग्जाम्स जो है वो दे दिए हैं और अब मुझे लग रहा है कि मेरा ग्रुप वन क्लियर नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं, मैं ग्रुप टू पढ़ना शुरू करूं या मैं बोध ग्रुप की तैयारी को माइंड में रखूं, मैं जीएसटी की क्लासेस लूं या ना लूं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आ रही हैं इस समय। सो मैं आपको कोशिश करूंगा कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड कर पाऊं इस बारे में, और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा काम ना बढ़े। बार बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं तो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जवाब ना देके ये वीडियो उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। राइट, एज यूजुअल सर वीडियो पे लाइक भी करिएगा, टारगेट रखते हैं सर 1000 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब मैं अब वीडियो का कॉन्टेंट जो है वो शुरू कर देता हूँ जल्दी से। मित्रों, अगर आपने दिया है अभी फर्स्ट ग्रुप नवंबर 2017 में और अगर आपको लग रहा है डर कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो भाई आप अच्छे से एक बार बैठ के इवैल्यूएट कर लो कि कितना परसेंट चांसेस हैं। ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ओवर एस्टिमेट मत करना। ठीक ठीक सर आप लोग थोड़ा सा मार्क्स लगाएं अपने बैठ के। अगर आंसर यही आता है कि भाई बिल्कुल पक्का है मैं फेल होने वाला हूं, तो मेरी एक बात सुन लीजिए, मई 2018 में बोथ ग्रुप का टारगेट हम लोग रख सकते हैं अगर आप थोड़ी सी समझदारी आज से दिखाना शुरू कर दें। सिनेरियो वन ले लेते हैं सर कि आप लोगों की ग्रुप टू की जो कोचिंग है वो चल रही है और आप लोगों की ग्रुप टू की कोचिंग अच्छी जगह पे चल रही है। जो सर आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपकी ग्रुप टू की कोचिंग जो है वे फरवरी 28 तक कंप्लीट कर देंगे, यानी मैक्सिमम 10 मार्च तक आपको मान के चलिए सर वो कंप्लीट कर दे तो बहुत अच्छा है। ओके, अगर ये सिचुएशन है तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी ग्रुप टू की कोचिंग तो साथ साथ कवर करिए करिए, जो आपके ग्रुप टू की कोचिंग में करा रहे हैं उसका होमवर्क तो करना ही करना है, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि उसको मिस कर दिया तो फिर वही हालत होगी जो ग्रुप वन के एग्जाम्स में। उसके साथ साथ, जी हाँ उसके साथ साथ, आप अपना एक ग्रुप वन का सब्जेक्ट जो है वो पिक कर सकते हैं, जिसमें सर आप लोग क्या कोशिश करेंगे, आप लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जो भी आपका एग्जाम बहुत बेकार हुआ था जिसमें आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप वो निपटाना शुरू कर दीजिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल बच्चे इसमें लॉ में बहुत ज्यादा डरे हुए हैं नवंबर 2017 के लॉ से, तो आपने बस एक काम करना है कि लॉ को उठाइए, बिल्कुल निस्त नाबूद करना शुरू कर दीजिए। राइट, बिल्कुल खत्म करना शुरू कर दीजिए। टारगेट ले लीजिए कि भाई मैं अगले 20-25 दिन में जो ग्रुप टू की कोचिंग है वो भी करूंगा, उसको होमवर्क भी करूंगा साथ में, और साथ साथ में मैं आपको लॉ भी कंप्लीट करके दिखा दूंगा 20-25 दिन में, जितना भी टाइम आपको मिलता है उसके हिसाब से आप 4-5 घंटे का डेली लॉ को दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। राइट, इस तरह आपका जो लॉ है वो खत्म हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही अपना सेकेंड वर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि सेकेंड ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत बेकार परफॉर्मेंस रही हो, वो उठा लीजिए 20-25 दिन में, वो कवर कर दीजिए। तो इस तरह 40 दिन के आसपास सर आपके दो सब्जेक्ट प्लस आपकी ग्रुप टू की कोचिंग चलती रहेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो जाएगा। अब आते हैं सर इस बात पे कि भगवान ना करे कि अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे, रिजल्ट नेगेटिव रहा लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे, कैसे पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि सर हमारे तो दो सब्जेक्ट तैयार हैं, ग्रुप टू की कोचिंग भी एकदम ठा ऑलमोस्ट 70% के आसपास कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख के चलिए, और एकदम तय है कि भैया फेल ही होने वाले हैं तो आपको मैं एक सुपर सेशन दूंगा कि आप जीएसटी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आपको लगेगा सर अपनी मार्केटिंग करें, भाई मेरा तो स्टोर ही बंद है, अभी 5 दिन तक मेरा स्टोर बंद रहेगा, 5 दिन बाद खुलेगा ऑनलाइन स्टोर neerajarorclasses.com। तो अभी तो मैं वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए डाल रहा हूँ, हमारे मुझे वैसे भी ऐसा लगता है मार्केटिंग की मुझे जरूरत नहीं, आप लोग बहुत हो सर मेरे लिए। ओके, सो अगर आपको लगता है कि सर आपके बिल्कुल ही तय है कि भैया ग्रुप वन देना ही पड़ेगा मई में और आपने जीएसटी नहीं पढ़ा, तो भाई जीएसटी की तैयारी 101% कर लो भाई, क्योंकि ये सर्टेन है कि जीएसटी आना ही आना है। ओल्ड कोर्स के लिए 50 नंबर का, न्यू कोर्स के लिए 40 नंबर का, सेम बुक है, वो आएगा ही आएगा। राइट, ये सर आपको जो मैंने अभी इस बात समझाई आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भी मेरे पास कुछ प्लान्स हैं और मैं सर आपको कुछ आइडियाज देना चाह सकता हूँ, कुछ सजेशन दे सकता हूँ। आप कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं डिपेंड करता है, ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने कवर की उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी ग्रुप वन के एग्जाम्स दिए थे और वो थोड़े से अपने अपने परफॉर्मेंस को लेके थोड़े से निराश हैं और वो मई 2018 के लिए तैयार करना चाहते हैं। वीडियो को कंक्लूड मैं कर देता हूँ, लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समरी इसकी कि भाई बोध ग्रुप देने मई 2018 में कैसे भी, आप अभी से ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स उठाना शुरू कर दीजिए, जो जो बहुत बेकार हुए थे उन सब्जेक्ट को उठाना शुरू कर दीजिए, लेकिन ग्रुप टू की कोचिंग के साथ साथ उनको सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। राइट गाइज, मई 2018 में वो सिचुएशन ना हो जाए, आई एम रियली सॉरी टू से दिस बट कहावत है
धोबी का कुत्ता होता ना कि ना घर का ना घाट का, बस वो ना हो जाए कि ना ग्रुप 1 का ना ग्रुप 2 का। ऐसी हालत अगर आपकी होगी तो सर आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए अभी से सर शुरू कर लीजिए। नवंबर में जो गलती हुई मैं रिपीट ना हो, मैं दोनों ग्रुप देखे शान के साथ अपने पापों को धोते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट गाइज, आई होप आपको सर वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा और किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिंद, और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय।